हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। द यूनिक ब्रांड वर्ड्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, मुझे एक कमेंट आया था सिक्रेंट की सॉइल मिक्स के बारे में कि मैं किस तरह से इसकी जो मिट्टी है तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको हेल्दी से प्लांट्स दिखा देती हूँ, क्योंकि सबको दिखना भी चाहिए कि जो मैं मिट्टी यूज़ करती हूँ वो यूज़फुल होती भी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सकुलेंट्स हैं जो कि हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। और आज मैं सिर्फ इस वीडियो में मिट्टी की ही बात करूँगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर की मिट्टी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये शिलोंग की जो लोकल मिट्टी है वही है, और ये सैंडी सॉइल होती है। इसमें पानी जो है ज़्यादा देर तक जमा नहीं रहता है। और इसमें जो एक और तरह की मिट्टी आती है जो कि है ये वाली जो मैंने इन बॉटल्स में डाली हुई है, ये बिल्कुल रेत ही है और इसका बस कलर डिफरेंट है। इसमें मैंने कुछ भी और नहीं डाला है। तो मैंने खाली इसको डायरेक्ट, क्योंकि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है काफ़ी अच्छा है तो सकुलेंट्स के लिए ये बेस्ट होता है। तो मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे जो सकुलेंट है इसमें, तो इसीलिए मैंने लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं, तो इनको लगाए हुए भी 5 से 6 दिन तो हो ही गए हैं, ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो अभी तक ये चल रही है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। उसके बाद देखिए, ये वाले सकुलेंट में मैंने काफ़ी कुछ डाला हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कोयला है, ये सूखी हुई लकड़ी का कोयला होता है, और ये कुछ स्टोन्स हैं, और गोबर की खाद है, जो मिट्टी है वो है, और परलाइट है, और साथ में थोड़ी सी कोकोपीट है। तो इन सब को अच्छे से मिक्स करके मैंने एक इनका मिक्सचर तैयार किया था जब इस मैंने पॉट में इनको भरा था। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी चल रही है, कोई इनको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो आप सकुलेंट के लिए किसी भी तरह का जो सॉइल है यूज़ कर सकते हैं, बट एक बात का ध्यान रखें, उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। फर्टिलाइज़र के नाम पर आप उसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो इनकी मिट्टी है वो रेतीली ले सकते हैं, अगर मिट्टी रेतीली नहीं है, नॉर्मल है, तो आप उसमें रेत जो है अपने आप से मिक्स करके इसमें लगा सकते हैं। जो ईंटों का भूरा होता है वो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी हार्डनेस होती है, आप उसमें थोड़ी सी कोकोपीट डाल लें, फिर उसके बाद इसको जो अपने सकुलेंट्स होते हैं उनके लिए लगाएं। तो हमेशा जो मिट्टी है सॉफ्ट रखें, क्योंकि सॉफ्ट मिट्टी में जो सकुलेंट्स की रूट्स हैं बहुत जल्दी से बनती हैं और फैलती हैं। क्योंकि जो सकुलेंट्स होते हैं इनकी छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर इनकी छोटी छोटी सी रूट्स हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इनको बढ़ने के लिए सॉफ्ट मिट्टी ही चाहिए। तो आप कोशिश करें कि मिट्टी जो है हमेशा सॉफ्ट ही रखें, कभी भी जो मिट्टी है वो हार्ड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके जो सकुलेंट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। खराब तो नहीं होगी, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है बहुत ही स्लो होगी, या फिर वो मतलब कि उतने ही साइज़ के रहेंगे। तो बस इसी तरह की जो मिट्टी है मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आई होप कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कौन सी मिट्टी यूज़ करती हो, कैसा सॉइल मिक्सचर यूज़ करते हो, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आई होप कि अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।